लाइव है लाइव है तो नमस्ते 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 तो एक बार सारे के सारे लोग जल्दी से, से सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे आज हमारा एनिमल्स का नेस्ट पास्ट है ठीक है जिसमें हम कुछ नए कुछ पुराने क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी बताओ आवाज वगैरह क्लियर है सर नमस्ते 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 और मेरी बेटी भी आई है हैं? बेटी चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ठीक है सीटेट 2022 टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैच इज ऑलरेडी रनिंग ओवर द एप्लीकेशन ठीक है जिसमें आपको एस एनवीएस बैच इज ऑलरेडी रनिंग विद फ्लैट डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी परसेंट और ये वाला बैच आपको पड़े। इस जनरल पेपर सब्जेक्ट केवल अगर आप लोगे लोगे तो तो और और कॉम्बो तो और अगर आप जुड़ना चाहते किसी बैच पे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते इसी के साथ ठीक है आज का क्वेश्चन नंबर वन जो आपसे पूछ रहा है वो ये है कि एक सच्ची समुद्री मछली है जेलीफिश चांदी की मछली नहीं सिल्वर फिश सिल्वर मछली ठीक है कुत्ते की मछली नहीं डॉग फिश डॉग मछली या स्टार फिश बताइए चांदी की मछली नहीं है सिल्वर फिश है ठीक है कुत्ते की मछली नहीं है डॉग फिश है या फिर स्टार फिश बताइए तो एक सच्ची मछली का उदाहरण क्या है एक सच्ची मछली का उदाहरण क्या है चलिए आंसर दिस क्वेश्चन विल बी है फिश आपकी एक समुद्री मछली है मैराइन फिश है समुद्र में मिलती है और कहीं नहीं मिलती ठीक है और आप इसे बड़े प्यार से एक नाम से जानते हो जिसको हम बोलते हैं क्या शार्क ठीक है तो डॉगफिश फिश आपकी क्या है शार्क को बुलाया जाता है ठीक है शार्क को डॉक फिश कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड तो सी विल बी द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपका ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा सांप नहीं है ठीक है अंधा सांप ठीक है ब्लाइंड स्नेक ग्लास स्नेक समुद्री सांप या पेड़ का सांप तो कौन सा आपका एक सांप नहीं है ट्रू स्नेक डॉक फिश केवल समुद्र में मिलती हां डॉगफिश केवल समुद्र में मिलती शार्प केवल समुद्र में मिलती है हाँ, सर आज ईवीएस और हिंदी का क्लास क्यों नहीं हुआ वो तो रहा है बेटा ईवीएस का क्लास और कौन सी क्लास है सब आप हाँ कोई जरूरी है, है? एग्जाम में भी तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पे थोड़ी चिल्लाओगे कि ये हमने नहीं पढ़ा है तो चुपचाप से आंसर दो नहीं आता तो चुपचाप से बैठो जब आंसर पता लग जाए तो चलिए सच्चा झूठा क्या होता है सर अभी पता लग जाएगा समुद्री सांप मछली है चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर है दैट इज ग्लास्नेक ग्लासनेक एक्चुअली में एक छिपकली का नाम होता है इट इज अ टाइप ऑफ लिजर्ड ये आपकी छिपकली होती है ये आपका सांप नहीं होता ठीक है, है? बट ये दिखता सांप की तरह बट है छिपकली जिसे आप बेसिकली सांप की मौसी भी बुला देते हो ठीक है नॉर्मल भाषा में हम इसे स्किंक भी बोल देते हैं है ना नॉर्मल भाषा में नहीं मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में ठीक है तो ग्लास स्नेक ठीक है इट इज नॉट एन स्नेक ठीक है दो इट लुक्स लाइक अ स्नेक फिर भी सांप की तरह दिखता है बट ये है क्या एक छिपकली की वेराइटी है तो बी विल बी द राइट आंसर ठीक है क्लियर है तो बी इसका ठीक है ये तो आप लोगों को लॉजिक लगाना पड़ेगा ठीक है लॉजिक लगाना पड़ेगा कौन से जानवर का ब्लड प्रेशर बीपी सबसे ज्यादा होता सर बाल का ही नहीं कटवाते पैसा नहीं है भिजवा दो हम अपना पेटीएम नंबर दे देते आवाज तो है भाई फिर से आवाज गई एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई ओ भाई हेलो आवाज गई फिर से वैसी मैंने बोला था ना बीच बीच में आवाज गायब हो जा रही है जबकि देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी एक बार बच्चों से तो पूछ लिया भाई चली गई ना अब आवा, आ गई क्या वापस आई कि नहीं आई दिखाना सर सेल तो है आ गई वापस से क्या हो रहा है चलिए तो बताइए किस जानवर का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है चलिए आंसर दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है किस जानवर का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है? देखे भाई, जिराफ सबसे लंबा है तो यहां इसमें ऊंचाई तक ब्लड को क्या करना पड़ेगा पंप करना पड़ेगा तो प्रेशर से क्या करना पड़ेगा ब्लड भेजना पड़ेगा इसलिए जिराफ का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है द लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ सॉरी ऑन लैंड इज ठीक है लैंड पे जमीन पे रहने वाला सबसे लंबा जानवर जो है वो है जिराफ सर पेटीएम नंबर दो सर मेरे गरीब है मतलब आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर है बी नेक्स्ट कीवी निम्नलिखित में से किस देश का मूल पक्षी है दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे ठीक है अगर आप लोग क्रिकेट देखते होगे तो इसका तो बहुत इजी आंसर लगा दोगे कीवी आपका कहां का नेटिव बर्ड है जा क्या होगा हमारा गलत होगा तो रैबिट का हार्ट बीट ज्यादा होता है बेटा 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 जनरली ऑल स्मॉल एनिमल्स हैव हाईएस्ट हार्ट बीट ठीक है बट ब्लड प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है चलिए वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सर कीवी फ्रूट भी है हाँ कीवी फ्रूट भी होता है ठीक है आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी न्यूजीलैंड ठीक है जब भी न्यूजीलैंड से मैच है तो हम क्या बोलते हैं आज कीवियो का आज कीवियो का शिकार करेंगे बाघ ऐसा ही बोलते हैं ना न्यूज आती है आज कीवियो का शिकार करेंगे कौन बाघ न्यूज वाले तो ऐसे ही छापते हैं हार गई बाई चांस इंडिया कीवियो ने धोया गाना गाओ थोया थोया ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी फिर आप रेबिट क्यों बताए थे कुछ भी कुछ भी कुछ भी है रेबिट कभी बताया भी है मैंने रेबिट क्वेश्चन ही नया रेबिट बताए थे चलिए घोसला घोसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है ठीक है ऐसा कौन सा सांप है जो कि नेस्ट की फॉर्मेशन करता है किंग कोबरा एनाकोंडा पाइथन या वाइपर घोसला बनाने वाला कौन सा सांप है? तो ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसले की निर्माण करता है चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कुछ लोग जबरदस्ती के मजे खींचते आप ये पढ़ाए थे आप ये नहीं पढ़ाए थे हम्म चलिए आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस अर्थ में एकमात्र एक, एक सांप जो घोंसला बनाता है वो है आपका किंग कोबरा ठीक है अच्छा एक बात बताइए किंग कोबरा घोंसला क्यों बनाता है किंग कोबरा घोंसला क्यों बनाता है व्हाट इज द रीजन घोंसला क्यों बनाता है इसका कारण क्या है और कोई सांप घोंसला नहीं बनाता ये घोंसला बनाता है ऐसा क्यों एनाकोंडा ए हेरिया रिया मिश्रा एनाकोंडा दरा घोसला एनाकोंडा का घोसला कैसा होगा तुम एक चीज सोचो छब्बीस मीटर लंबे सांप का कैसा घोंसला हो सकता है इतना बड़ा घोंसला बना है वो छब्बीस मीटर लंबा सांप कोबरी के लिए नहीं गलत जवाब शादान अली नहीं अंडे देने के लिए ना गलत जवाब तो बाकी सारे सांप का घोंसला बना के अंडा नहीं दे सकते किंग कोबरा स्पेशल है उसके पास एग देने के लिए गलत जवाब एग प्रोटेक्शन गलत जवाब चलिए तो ये घोंसला क्यों बनाते हैं? जनरली जनरली ये दूसरे सांपों को खाते ठीक है ये क्या करते दूसरे सांपों को खाते है ना ये दूसरे सांपों को खाते हैं ये मैंने आपको कल बताया था किंग कोबरा ऐसे होते हैं जो दूसरे स्नेक्स पे फीड करते हैं कैनिबलिज्म शो करते हैं ठीक है नरभक्षता शो करते हैं तो दूसरे सांप जब रेंग केस के इसके घोंसले के पास पहुंचते हैं इनको लगता है कि ये घोंसला तो किसका है किसी बर्ड का घोंसला होगा अंडे धरे होंगे अंडा अंब अम्ब खाएगा अंब ठीक है अंदर जाते घुसते हैं यहाँ चाचा पहले से ही बैठे हुए हैं आ आ गए आगे। आगे, आगे गए गए अच्छा है बेवकूफ बन तुमको क्या लगा तुमको क्या लगा क्या लगा क्या लगा मुर्गी का अंडा होगा अच्छा आ गए मेरे झांसी में तो ये बेसिकली बेवकूफ बनाते ठीक है तो दूसरे सांपों को बेवकूफ बनाते हैं दूसरे सांपों को लगता है कि भाई घोंसला है तो किसी बर्ड का अंडा होगा ये अपने ही बच्चे खा जाते हैं नहीं वो तो हर नागिन की स्पेशलिटी है अपने ही बच्चे खा लेना ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए नेक्स्ट थिंग इज भारत में सभी पक्षियों में सबसे तेज कौन सा पक्षी है नहीं 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 नहीं, नहीं। पेरेंटल केयर के लिए नहीं पेरेंटल केयर तो फिर तो जो नागिन होती है वो अपना खा लेती है अंडा फिर का एक बात का पेरेंटल केयर स्नेक जितनी भी स्पीशीज है सब की के सॉरी आर सेलेक्टेड स्पीशीज और आर सेलेक्टेड स्पीशीज में पेरेंटल केयर नाम की कछु चीज़ नहीं होती चलिए तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी भारत में सबसे तेज कौन सा पक्षी है भारत में सबसे तेज जो पक्षी होता है वो होता है स्विफ्ट और अगर वर्ल्ड की बात करें वर्ल्ड में ठीक है जो घुमंतुबाज होते हैं जो घुमंतुबाज होते हैं वो आपके सबसे तेज पक्षी होते पूरे वर्ल्ड में घुमंतुबाज इज द फास्टेस्ट एंड इन इंडिया ठीक है आपका स्विफ्ट जो है स्विफ्ट एक्सेल है हाँ स्विफ्ट एक्सेल है फाल्कन तो नहीं होगा नहीं फाल्कन पूरे वर्ल्ड में पेरेग्रीन फाल्कन ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है इन वर्ल्ड ठीक है पेरेग्रीन फॉल्कन इज द फास्टेस्ट बर्ड ठीक है और इवन द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड सॉरी फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ ठीक है बट भारत में आपका स्विफ्ट जो है वो आपका सबसे तेज पक्षी है चलिए अगला क्वेश्चन ठीक है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है बाघ जंगली भैंस बुलबुल सॉरी ब्लू बुल, -बुल oh, sorry, या फिर जंगली गधा छत्तीसगढ़ तो का राजकीय पक्षी है कौन सा है स्विफ्ट को हिंदी में क्या बोलते बेटा स्विफ्ट ही लिखते हैं इंग्लिश भी बता दो उसकी पेरेग्रीन फाल्कन हाँ सर बिल्कुल सही सुना है समीक्षा जी बिच्छू अपनी मां को खा लेते निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है बाघ जंगली भैंस ब्लू बुल या जंगली गधा चलिए तो आपके छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो है वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसा ठीक है जंगली भैंसा आपका राज्य पशु है छत्तीसगढ़ का ठीक है नेक्स्ट थिंग इज ठीक है निम्नलिखित में समानता का पता लगाए ठीक है हाथी ऊंट भैंस जराब इन सभी द्वारा उत्पादित दूध का सेवन लोग नहीं कर सकते इन सभी के सींग होते हैं इनमें से कोई भी स्तनधारी नहीं है ठीक है इन सभी को बच बच्चों को बछड़ा कहा जाता है बताइए कंबाला फेस्टिवल सर ये सारे गलत हो रहे हैं अरे बुद्धि लगाओगे तो सही होंगे ना चलिए बताइए आंसर नंबर एट थे ए शायद अरे ओ गधो भैंस का दूध नहीं पीते तुम लोग तो एक कैसे सही लगा दे रहे ठीक है तो नॉर्मली इन सभी के बच्चों को काफ बोला जाता है ठीक है तो विल राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट थिंग इज नीलगिरी ताहर निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है ठीक है नीलगिरी ताहर भेड़ की एक वैरायटी है कहां है तमिलनाडु कर्नाटका महाराष्ट्र या फिर केरल नीलगिरी ताहर ठीक है किसका एक राष्ट्रीय पशु है सॉरी राजकीय नॉट राष्ट्रीय नीलगिरी ताहर कहाँ का आपका राजकीय पशु है ठीक है काफ तो बस क्रो, अरे नॉर्मली बेटा नॉर्मली नॉट साइंटिफिकली फिफ्थ क्लास तक की है ना ठीक है जैसे कल तुमने वो उसका वो लगा दिया था वो तो बोन्स की वो होती है आउटग्रोथ रेटन नहीं होगा बोन्स होगी तो फिफ्थ क्लास में उतना नहीं बताया जाता ना चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नीलगिरी ताहर नेक्स्ट थिंग दुनिया का सबसे तेज सांप कौन सा है इस दुनिया में सबसे तेज सांप कौन सा है मतलब बहुत स्पीड से रेंगने वाला करेत डेथ एडर ब्लैक माम्बा या खड़, -खड़ सांप रेटल स्नेक दुनिया का सबसे तेज सांप कौन सा है ठीक है स्पीड में रेंगने वाला सर आप कहां रहते हैं सर कहां से क्वेश्चन लाते हो आप कुछ दिमाग से होते टेंथ का ए करेक्ट रेटल स्नेक करेत 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 चलिए तो करेत तो आपको पता है भारत का सबसे जहरीला सांप है ठीक है रेटल स्नेक भारत में नहीं मिलते अमेरिका में मिलते ठीक है डेथ एडर ब्लैक माम्बा ये भी भारत के सांप नहीं है ठीक है डेथ एडर बेसिकली आपका यूरोपियन कंट्रीज और आ, आपका नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है ब्लैक माम्बा आपका अफ्रीका अफ्रीकन सांप है इसको हम अफ्रीकाई सांप भी बोलते हैं ठीक है ये झुंझुने वाला सांप है जो झुंझुना की तरह बजाता रहता है इस झुंझुना को सुन के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं अगर आपने हिस्ट्री में क्लियोपेट्रा महारानी क्लियोपेट्रा की कहानी सुनियो तो जिस सांप से कट के वो मरी थी वो सांप था डेथ एडर इसी इस, इसलिए इसको क्लियोपेट्रा स्नेक भी बोला जाता है और दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप जो है वो है आपका ब्लैक माम्बा ठीक है माम्बा ब्लैक माम्बा इसलिए नाम है इसका क्योंकि इसका अंदर का मुंह का पोर्शन भी काला ही दिखता है दैट्स वाई द नेम इज ब्लैक माम्बा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड शांतनु चलिए नेक्स्ट थिंग इज किस जानवर की उम्र सबसे लंबी होती है वेल सांप मानव या कछुआ किस जानवर की उम्र सबसे लंबी होती है क्वेश्चन कहां से लाए स्नेक्स वाले अपनी बुद्धि से बना के ब्लैक हाँ, माम्बा सबसे तेज भागने वाला सांप है इनकी स्पीड जो होती है बीस किलोमीटर प्रति घंटा अब तुम्हारे लिए बीस किलोमीटर प्रति भले ही कुछ नहीं हो ठीक है तुम कहो ये भी कोई स्पीड है बीस किलोमीटर प्रति घंटा बट सांपों में ये स्पीड बहुत है चलिए तो बेसिकली आपका जो कछुए होते हैं ठीक है इनकी उम्र बहुत लंबी होती है दो सौ साल चार सौ साल पांच सौ साल ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी नेक्स्ट थिंग इज ठीक है कौन से जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं ठीक है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड यह आपको पढ़ाया हुआ है सर सर कीड़े या पक्षी ठीक है तो कौन से जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा स्थानिक रहेगा ट्वेल्थ का ए चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है आपके कोल्ड ब्लडेड जानवर जो रहते हैं छीत रक्त वाले इनमें आपकी तीन जानवर आते हैं मतलब तीन जानवर की कैटेगरी आती है वो है आपके कौन कौन से फिशेस मछली ठीक है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ठीक है सरी सर और जो वार्म ब्लडेड आते हैं उनमें आपके दो जानवरों की कैटेगरी आती है एक होते बर्ड ठीक है और एक होते मैमल्स ठीक है तो ये गर्म खून वाले तो यहां पे आपको मैमल्स तो दिया नहीं है बर्ड्स दी हुई है, तो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज आपका अगला क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन ठीक है सर गलत आंसर रहता है तो आपको दिख जाता है सही रहता है तो नहीं दिखता यही तो मेरी आंखों की स्पेशलिटी है तिब्बत में परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता ऊंट लामा बैल या फिर याकी। याकी नहीं है याक है ताकि लिख देते ताकी, 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 ताकी। सर मैं किस में हूं तुम यादों में हो ठीक है अब पढ़ लो ठीक है तो very good. तो तिब्बत में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जानवर राइट आंसर नेक्स्ट इज ठीक है, है, है तो right निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है ठीक है तो अभी आपको बताए थे ठंडे रक्त वाले कौन से होते हैं गर्म रक्त वाले कौन से होते हैं तो आपको ढूंढ के पहचानना है मगरमच्छ और शतुर्मुर्ग हैकफिश फिश और डॉक फिश कछुआ और शतरमोर मोर और ऊंट बताइए क्या बात है आसमान में है चंदा वामा तिब्बत में है लामा क्या बात है आज ये भी स्टेटस डालू लामा कहा होते हैं वो भी तिब्बत में होते हैं हम्म याद आ गया लांबा लांबा घूंगट काय डाला चलिए वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है आपको बताया था कि बर्ड्स पक्षी और आपके स्तनपाई जीव मैमल्स यही आपके गर्म रक्त वाले जीव है तो मोर पक्षी है ऊट स्तनपाई जीव है डी विल बी द राइट आंसर ठीक है बाकी मगरमच्छ यहाँ ऑस्ट्रिच ये बर्ड है ये दोनों आपकी मछलियां है ठीक है ये बर्ड है बट ये आपका क्या है रेप्टाइल्स है तो डी इसका सही उत्तर है क्स्ट थिंग अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब दो हालांकि मैंने इसमें जानबूझ के ऑप्शन नहीं डाला है जानबूझ के नहीं डाला है ठीक है क्योंकि अगर मैं डाल देता तो तुम लोगों को पता लग जाता है ठीक है, है कौन सा जीव आपका सबसे तेज दौड़ता है सभी दो पैरों वाले क्रिएचर्स में सभी दो पैरों वाले जीवों में कौन सा जीव सबसे तेज दौड़ता है इंसान हम्म बात तो सही गई है इंसान कंगारू दौड़ता है वो कि हॉपिंग करता है देख रहे हो बिना सर हमको सच स्नेक के बारे में नहीं बता रहे कौन सा सच स्नेक चीता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कौन है ये चीता वाला चीता वाला कौन था चीता वाले का नाम पढ़ लो पहले जो भी है चीता वाला ठीक है जो भी है चीता वाला बेटा चीता के चार पैर होते हैं, दो पैर का ऐसे दौड़ रहा था चीता दो हाथों को मतलब दो पैरों को ऊपर करके चलिए तो दो पैर वाले जीवों में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जीव होता है वो आपकी होती है इस दुनिया की सबसे बड़ी वर्ड और इसको हम बोलते हैं मुर्ग ठीक है तो शतुर मुर्ग आपकी सबसे तेज दौड़ता है ठीक है नेक्स्ट थिंग इज आपका नेक्स्ट इज़ आपका एकमात्र ऐसा पक्षी जो अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है द ओनली वर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक अप टू 270 डिग्री बताइए कीवी उल्लू मोर कबूतर तो एकमात्र ऐसा पक्षी जो अपने सर को दो सत्तर सर सच्चा स्नेक वाला बता दीजिए सच्चा स्नेक मतलब ऐसा कुछ नहीं है कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सांप की तरह दिखते हैं बट सांप नहीं होते ठीक है जैसे कि आपका बेसिकली मछलियों में तो क्या था कि नाम में मछली है ठीक है बट मछलियों में अंतर बहुत था कि मछलियों के सांस लेने के लिए क्लोम होता है उनके पास सांस लेने के लिए क्लोब नहीं होता ठीक है मछलियों की बॉडी आपने देखी होगी स्ट्रीमलाइन रहती है आगे की तरफ पॉइंटेड रहती है स्टार की बॉडी स्टार जैसी रहती है ठीक है आपकी जेलीफिश की तो अमरेला जैसी रहती है तो बहुत अंतर है स्नेक में सच्चा स्नेक और गलत स्नेक क्या है कि कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं कुछ ऐसी छिपकलियां होती है जो सांप जैसी दिखती है जैसे सांप की मौसी जो तुम बोलते हो स्किंग वो सांप जैसी दिखती है बट वो सांप नहीं है ठीक है तो यही है सच्चा स्नेक और झूठा स्नेक और कुछ नहीं वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन हालांकि आपकी एनसीआरटी लिखती है तीन डिग्री तक ये आपकी ठीक है एनसीआरटी ने ऐसा नहीं लिखा तीन डिग्री तक एनसीआरटी ने लिखा है काफी हद तक इसी काफी हद तक को कईयो सारे मास्टर और मास्टर ठीक है कईयो सारे मास्टर और मास्टर आइन 360 बना देती है बेटा 360 डिग्री का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है 360 का मतलब समझ रहे हो ये घूम के चला और ये यहीं आ गया तो मतलब अगर आपकी जो क्या बोलते हैं अगर ये उल्लू की गर्दन है तो वो ऐसे घुमाए और ऐसे वापस ले आए तो ये बिल्कुल सीधी आ जाए पॉसिबल ही नहीं है तो एक एंगल पर रुक जाएगी तो 270 डिग्री तक ही घूमता है ठीक है तो आंसर टू एट्टी डिग्री है एक्चुअली नहीं बेटा टू सेवेंटी डिग्री है पढ़ो जाके is, कौन सा जानवर केवल यूक्लिप्टस के पत्ते ही खाता है और कुछ नहीं खाता ठीक है कोआला आर्कटिक कैटफिश या फिर तिलचट्टा हाँ एग्जाम में भी 360 का ही देते हैं बट बेवकूफ है 360 हिलो को बोलते सांप की मौसी नहीं स्किंक को बोलते स्किंक सर्च करना ठीक है तो कौन सा जानवर आपका केवल ठीक है खाता है क्या दैट इज यूक्लिप्टस की पत्तिया ये है आपका कोआला कोआला ठीक है तो कोआला केवल आपका खाता है क्या यूक्लिप्टस की पत्तियां और कुछ ये नहीं कंज्यूम करता तो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज इनमें से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता कीवी पैंग्विन शतुर्मुर्ग या उपरोक्त तो सभी बताइए तो कौन से पक्षी आपके उड़ नहीं सकते कीवी पैंग्विन शत्रुमुर्ग या उपरोक्त तो सभी हाँ यूग्लिप्ट पर्यावरण का शत्रु है वेरी गुड कोआला क्या है सर एक जानवर है जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और अमेजन के जंगलों में पाया जाता है ठीक है बड़ा प्यारा सा होता है टेडी जैसा दिखता है बट टेडी नहीं होता बहुत प्यारा सा होता है बहुत क्यूट सा जानवर है कोआला कौन सा एनिमल है नेक अपना नेट सर्च करके गूगल पे डाल दो अपने आप ही दिखा देगा कोआला जुआला जो देखना है तुमको दिखा देगा तो वेरी गुड ऑल बर्ड्स आर फ्लाइटलेट सभी के सभी आपके उड़ान रहित पक्षी है कोई भी आपका उड़ नहीं सकता ठीक है इसके अलावा एक ईमोवी आपका वर्ड है जो कि आपका कैसा है फ्लाइटलेस वर्ड है उड़ान रहित पक्षी चलिए नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई अंडे देता है चमगादड़ वेल नेवला या प्लेटिपस तो कौन सा वो स्तनपाई जीव है जो अंडे देता है अंडे देने वाले स्तनपाई जीव का नाम क्या है सर गेमिंग कैरेक्टर भी है कुला पता नहीं चलिए तो एक आपके स्तनपाई जीव में ठीक है एक तो ना जैसे आप चीटी खोर बोलते हो स्पाइनी एंटीटर, और एक आपका प्लेटिपस ठीक है जो कि आपका पोकीमोन था कौन सा साइडक मिस्टिक के पास ठीक है अगर आपने पोकीमोन कभी देखा हो तो, तो ये दोनों आपके अंडे देने वाले स्तनपाई जीव है तो डी विल बी द राइट आंसर और सारे स्तनपाई जीवों में ये सबसे ज्यादा जहरीला जीव होता है इज द मोस्ट पॉइजनस ठीक है मैमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट थिंग इज आपका पीलीभीत वन्य जीव अभारण्य ठीक है भारत के किस राज्य में तो पीलीभीत वन्य जीव अभारण्य भारत के किस राज्य में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात या छत्तीसगढ़ बताया पीलीभीत वन्य जीव अभारण्य भारत के किस राज्य में बताइए पीलीभीत सब बच्चे कौन देता है फिर तुम और कौन चलिए तो उत्तर प्रदेश में ठीक है आपका ये दोनों सेंचुरी बहुत फेमस है एक चंद्रप्रभा एक पीलीभीत तो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज सांप कछुआ छिपकली और मगरमच्छ किस श्रेणी के जानवरों के अंतर्गत आते हैं मीन उभयचर एविस ठीक है स्नेक टर्टल डिजर्ट एंड क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बताइए 21 का वेरी गुड ठीक है ये सारे के सारे आपके क्या है रेप्टाइल से सरीसृप है ठीक है तो सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड अफ्रीका क्यूबा या तुर्की 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 तुरत्रे सारा हमारे मेल है फिर कैसे बच्चे दे सकते हैं कुछ भी सर हम मेल है फिर कैसे बच्चे दे सकते हैं नहीं तुम मदद कर सकते हो बच्चा पैदा करने में ठीक है दे तो तुम भी नहीं पाओगे बट तुम जो चीज दोगे ठीक है स्पर्म जब तक वो नहीं जाएगा तो चूरन चटनी से बेटा बच्चा नहीं होता याद रखना जाते हैं ना बहुत सारे लोग ये केला खा लेना लड़का होगा ये सेब खा लेना लड़की होगी ये बबूत चाट लो घर में लड़का आएगा सब एक्स और वाई क्रोमोजोम का खेल होता है एक्स पहुंच गया तो चुनिया ला देगा वाई पहुंच गया तो लल्ला ला देगा तथास्तु से बच्चे नहीं पैदा होते ठीक है तो वेरी गुड तो थाईलैंड इज सेट टू बी एज द ठीक है आपका लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट और आपने एक मूवी भी देखी होगी हाथियों हो ठीक है ओंग बाग ठीक है जिसमें बेसिकली हाथियों का प्रोटेक्शन कर रहा था ठीक है तो बेसिकली ए विल बी द राइट आंसर दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है ठीक है ठीक है ए कुत्ता ठीक है बी चीता सी टाइगर और डी पेरेग्रीन बाज दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है नहीं सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं सबसे तेज जानवर कौन सा फास्टेस्ट एनिमल कौन सा इंग्लिश में जाएंगे ना फास्टेस्ट एनिमल चीता 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 ठीक है देखिए अब देखिए इसलिए आपका इंग्लिश की भी जरूरत होती है देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फास्टेस्ट एनिमल फास्टेस्ट का मतलब होता है सबसे तेज एनिमल जानवर ठीक है तो फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस हिंदी में क्या लिखा हुआ था? सबसे तेज दौड़ने वाला ठीक है तो दौड़ना तो बेटा जमीन पे दौड़ते हैं दौड़ने वाला तो फिर हो जाएगा चीता ठीक है बट चीते से भी ज्यादा तेज कौन है? बाज, है तो अगर ये क्वेश्चन आया होता ऐसा सी टेट में तो प्रेफरेंस किसकी जाती है इंग्लिश की पहले जाती है तो इंग्लिश में तो क्या लिखा होगा फास्टेस्ट एनिमल लिखा होता है इसलिए इंग्लिश वालों सॉरी हिंदी वालों इंग्लिश भी जरूरी है ठीक है तो डी विल बी द राइट आंसर क्लियर है नेक्स्ट थिंग इज किस जानवर की याददाश्त सबसे खराब होती है किस जानवर की याददाश्त सबसे खराब होती है कुत्ते की चूहे की हाथी की या डॉल्फिन की बाज एनिमल है क्या पता नहीं एनिमल किंगडम में में तो बर्ड्स रख देते उसे टाइगर और चीता अलग अलग है क्या हाँ बेटा टाइगर और चीता अलग अलग है बाघ में स्ट्राइप्स होती है चीते में स्ट्राइप्स नहीं होती है डॉट होते ठीक है।, है तो किस जानवर की याददाश्त सबसे कमजोर होती है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन जो हाथी होते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब डम्ब तो नहीं बोल सकते नेचर की क्रिएशन है बहुत प्यारी क्रिएशन है स्ट्रांगेस्ट एनिमल है पूरे अर्थ में ठीक है बट द इन मेमोरी वाइज वो वो इनकी याददाश्त इतनी कमजोर होती है कि बचपन में हाथी को ना ठीक है सांकड़ों से बांधा जाता है ठीक है बचपन में हाथी को सांकड़ों से बांधा जाता है ठीक है जब हाथी बड़ा हो जाता है तो हाथी हाथी को एक पतली रस्सी से बांधा जाता है उसको लगता है ये वही सांकड़ है जिससे हमको बांधा गया है ठीक है तो वो ज्यादा अपनी याददाश्त को रिकॉल नहीं कर सकते ठीक है तो दैट इज सी नेक्स्ट थिंग इज एक घोंसले में सौ से अधिक अंडे देने वाले पक्षी का नाम क्या है कोयल बुनकर पक्षी ईमू या शतरमुर्ग तो घोंसले के अंदर सौ से अधिक सर ये गलत होता है ना क्या मेमोरी मेरी बहुत स्ट्रांग है बहुत बढ़िया तो एक घोंसले में सौ से अधिक अंडे देने वाला कौन सा पक्षी है जगवार क्या होता है बघीरा बघीरा जो तुम उसमें देखते हो किसमें मोगली में वो बघीरा है वो जगवार है तो वेरी गुड तो घोंसले के अंदर सौ से अधिक अंडे देने वाला जो पक्षी है वो है आपका द लार्जेस्ट बर्ड जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच ये काफी सारे अंडे देता है नेक्स्ट थिंग इज रेशम और ऊन प्रोटीन फाइबर है कार्बोहाइड्रेट फाइबर है दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं तो सिल्क एंड वूल जो आपको मिलती है वो कैसे फाइबर है कैसे रेशे प्रोटीन फाइबर है कार्बोहाइड्रेट फाइबर है दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं सर पैंथर चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है प्रोटीन फाइबर है ठीक है क्योंकि ये दोनों एनिमल से प्राप्त होते हैं ठीक है वूल क्या होता है एनिमल का हेयर होता है ठीक है फ्लीस होता है बाल होता है सिल्क क्या होता है एनिमल का सलाइवा होती है लार होती है और ये दोनों के दोनों आपके प्रोटीन फाइबर तो ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट इज कौन रेशम उद्योग से संबंधित नहीं है रेशम के कीड़ों का पालन मधुमक्खी पालन बुनाई या फिर चपेट ठीक है तो कौन सा आपका रेशम उद्योग से संबंधित नहीं है तो 27th का वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी मधुमक्खी पालन इज नॉट रिलेटेड विद रेशम उद्योग बाकी सारी प्रोसेसेस आपकी रेशम उद्योग से रिलेट करती है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रेशम है तसर ईरी शहतूत या मुगा ठीक है तो कौन सा इनमें से सामान्य रेशम कहलाया जाता है तसर इरी शहतूत या मुगा एस एस टी भी होगा सर बेटा एस एस टी शाम को होता है छह से आठ ठीक है उस टाइम पे आपका एस एस टी होता तो बताए बूल तो प्लांट से बन जाता है कौन सा तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी शहतूत को हम प्योर रेशम या सामान रेशम बोलते हैं इदसा मुगा तसर एरी एरी मेरी लाली सुन रही है तो ये सारी की सारी जंगली रेशम बोली जाती है वाइल्ड सिल्क बोली जाती है ठीक है जहां आपका इदसा ओ सॉरी शैतुत से मिलने वाली जो तसर होती है वो शैतुत के पौधे पे जब रेशम का कीड़ा खाना खाए तब मिलती है वहां आपका कैस्टर सोम का पौधा टर्मिनेलिया का पौधा और आपका आ, ओक का पौधा इनके ऊपर अगर रेशम का कीड़ा फीड करे ठीक है तो आपको ये सारी वाइल्ड वेराइटी मिलती है नेक्स्ट थिंग इज ऊन डैश से प्राप्त किया जाता है ठीक है भेड़ से बकरी से याक से या फिर सभी से सभी से ऊन कहां से प्राप्त किया जाता है सर एरी क्या है टाइप है सर आज बहुत बारिश हो रही है आप घर कब जाओगे चले जाएंगे बी एड वाले सुपर टेट का एग्जाम दे पाएंगे ना हाँ दे पाएंगे अभी केस तो जाने दो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है डी ये सारे के सारे आपके ऊन देने वाले हैं ऊन आपका कैमल से याक से लामा से अल्पाका से से, रैबिट से, शीप से कई सारे जानवरों से प्राप्त किया जाता है ये फेमस फेमस जानवर है जहां से ऊट प्राप्त होती है ओ सॉरी ऊन प्राप्त होती है तो डी विल बी द राइट आंसर और आज का आखिरी क्वेश्चन याक की ऊन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है तिब्बत चीन भारत न्यूजीलैंड याक की ऊन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है सनहैम कॉटन बास्ट फाइबर ये सब प्लांट ही तो है हाँ तो इनसे ऊन मिलती है ठीक है तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी तिब्बत इज फेमस फॉर याक वूल याक की ऊन के लिए तिब्बत आपका फेमस ठीक है तिब्बत बाजार भी लगता है ठीक है जहां पे आपकी इनकी ऊन से बने रेशम ठीक है तो ये थी हमारी आज की क्लास ठीक है कल हम आपके कुछ आखिरी क्लास होगी एनिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाएंगे ठीक है फिर अपन नेक्स्ट सेशन से मतलब परसों से प्लांट्स का चैप्टर चालू करेंगे तो टिल देन हैव नाइस डे बाय बाय गुड नाइट टेक केयर थैंक यू गुड डे सर जी पढ़ते 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 कौन चटक गया दिमाग थक गया कुछ याद नहीं होता क्या करूं कुछ मत करो सो जाओ